अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा पांचवी विषय हिंदी के पाठ क्रमांक 13 बोलो और जानो इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ में कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन चित्रों में दिए गए चीज़ों के नाम हिंदी में है। हमें इन हिंदी में दिए हुए अल्फाजों के मायने को हमारी मातृभाषा यानी मादरी जुबान, जो कि हमारी रोजाना आम जिंदगी में बोलचाल की जबान होती है, जैसे हमारी मादरी जुबान उर्दू है, तो हम इन तस्वीर के नामों को उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे। पाठ क्रमांक 13 बोलो और जानो। देखो और अपनी मातृभाषा में बताओ। प्यारे बच्चों, जो पहला चित्र हमें दिया गया है वो है कुत्ता। कुत्ते को हमारी मादरी जुबान उर्दू में कहते हैं कुत्ता। दूसरा चित्र है गुब्बारा। गुब्बारे को हम उर्दू में कहते हैं गुब्बारा। तीसरा चित्र है घर। घर को भी हम हमारी मादरी जुबान में घर ही कहते हैं। चौथा चित्र है बस्ता। बस्ते को हम हमारी मादरी जुबान उर्दू में कहते हैं दफ्तर। चौथी तस्वीर है बेला। बेला को उर्दू में कहते हैं मोगरा। पांचवी तस्वीर है अमरूद। अमरूद को उर्दू में अमरूद ही कहते हैं और साथ ही इसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो है जाम। अगली तस्वीर है विद्यालय। विद्यालय को उर्दू में कहते हैं स्कूल। अगली तस्वीर है उड़न तश्तरी। उड़न तश्तरी को उर्दू में उड़न तश्तरी ही कहते हैं। आगे का चित्र है गुड़िया। गुड़िया को उर्दू में गुड़िया ही कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पर इस पाठ पे हमें ये और वह इन शब्दों का प्रयोग भी बतलाया गया है। जैसे शब्द ये है, यह शब्दों का प्रयोग का इस्तेमाल करीब रखी हुई चीज़ों को बतलाने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर यह पुस्तक है, मतलब ये किताब है। यह लड़का है, ये लड़का है। यह फूल है, मतलब ये फूल है। उसी के साथ हमें किताब में वो लफ्ज़ का इस्तेमाल किस तरह होता है ये भी समझाया गया है। वह इस शब्द का इस्तेमाल दूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर वो अलमारी है, मतलब वो अलमारी या अलमीरा है। वह साइकिल है, वो साइकिल खड़ी है। वह दुकान है, वो दुकान है।